अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी Redmi ब्रांड की तरफ से कि वो एक फ्लैगशिप फोन पे काम कर रहे हैं जो कि Snapdragon 855 पे बेस्ड होगा और ये फोन 2018 में ही लॉन्च होगा। लेकिन कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं तो Xiaomi ने जो Redmi ब्रांड था ना उसे अलग कर दिया था, क्योंकि जो Redmi ब्रांड था ना वो बजट और मिड रेंज फोन्स में बनाने में फोकस करता था और जो Mi कंपनी थी ना उसे रखा गया था फ्लैगशिप फोन्स बनाने के लिए, जैसे कि Mi 6 हो गया, Mi 8 हो गया, Mi Mix 2S। लेकिन अब जब ये ब्रांड अलग हो चुका है तो अब ये खबर आ रही है कि Redmi बजट और मिड रेंज फोन्स के अलावा एक फ्लैगशिप फोन भी बनाएगा। तो इसका मतलब यह कि Xiaomi के मल्टीपल फोन्स होने वाले हैं जो कि फ्लैगशिप फोन्स होंगे, जैसे कि Mi ब्रांड के अंदर ही देख लो कि उनकी पूरी Mi लाइनअप है, जैसे Mi 5, Mi 6, Mi 8। अब जो आने वाला Mi 9 है ना वो भी आपको Snapdragon 855 प्रोसेसर पे देखने को मिलेगा और वो भी एक फ्लैगशिप फोन ही कहलाएगा। उसके बाद उन्होंने अपनी Mi Mix सीरीज को निकाला जिसमें आपको फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी और उसके अंदर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलता था, जैसे कि जितनी भी Mi Mix सीरीज है ना उसके अंदर आपको बेजल लेस डिजाइन देखने को मिलता था। तो इसका मतलब यह था कि जो Xiaomi है वो Mi ब्रांडिंग के अंदर दो फ्लैगशिप फोन्स को बना रही है, तो ये भी ठीक लगता था। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज की, जैसे कि वो अपने एक ब्लैक शार्क गेमिंग फोन को भी लिया जिसके अंदर आपको सेम फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी और उसे गेमिंग फोन बनाकर प्रमोट किया। उसके बाद वो इंडिया में पोको को लिया जो कि एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड बना और जो पोको F1 था उसके अंदर आपको सेम फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी लेकिन उसका प्राइस कम था। मतलब ऑलरेडी Xiaomi की तरफ से आपको 4 फ्लैगशिप फोन्स देखने को मिलते थे और अब बात ऐसी की जा रही है कि जो Redmi है ना वो भी इस रेस में कूदने वाला और पांचवा जो फ्लैगशिप फोन होगा ना Xiaomi की तरफ से वो Redmi ब्रांड के अंदर आएगा। और Redmi की बात करें जो देखा जाए जो पहले से ही बजट फोन्स को बना रही थी अब वो फ्लैगशिप फोन्स को ही बनाने वाली है। तो देखा जाए तो आखिर Xiaomi को ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ गई है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो Xiaomi है ना वो एग्जैक्टली Huawei को कॉपी कर रही है। अब देखा जाए तो Huawei है वो उसके P20 और जो Mate सीरीज के जो फोन्स होते हैं ना उन्हें वो फ्लैगशिप बोलती है और इसलिए उन फोन्स की जो प्राइसिंग है ना वो हमें iPhone और जो Samsung के महंगे फोन्स होते हैं ना Note लाइनअप और S लाइनअप उसके आसपास हमें देखने को मिलती है। वहीं जो उसकी Honor की जो लाइनअप है ना वो हमें बजट फोन्स, मिड रेंज फोन्स और जो फ्लैगशिप किलर वाली जो रेंज है ना उसमें ही देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसा Redmi के साथ भी हो सकता है कि Redmi जो है ना वो Honor की तरीके से बिहेव करेगी, लेकिन वहीं बात करें अगर हम Xiaomi की तो हो सकता है वो Mi ब्रांडिंग का यूज करके महंगे फोन्स को बनाए और आने वाले समय में जो Mi की तरफ से जो दूसरे फोन्स आने वाले ना वो डायरेक्टली आईफोन या Samsung Galaxy Note और जो Mate सीरीज होगी Huawei की उससे डायरेक्टली कम्पीट करे। और बात करें ब्लैक शार्क और पोको की तो जो ब्लैक शार्क उसे सेपरेट रखा गया है गेमिंग फोन मार्केट के लिए और वो गेमिंग तक ही मुझे लगता है लिमिटेड रहेगा और जो Razer फोन और जो ROG फोन आते हैं ना मुझे लगता है कि ये फोन उन्हीं से ही कम्पीट करेगा। और बात करें अगर हम पोको की तो वो मुझे लगता है कि बजट फ्लैगशिप की कैटेगरी के लिए रखा गया, जैसे यानी कि 20 से 30 हजार, जैसे हाल ही में आपको Honor Play देखने को मिला था जिसके अंदर आपको सेम फ्लैगशिप Kirin प्रोसेसर देखने को मिलता था जो आपको Huawei P20 Pro में देखने को मिला था। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस कैटेगरी में कम्पीट करने के लिए पोको है जो कि 20 से 30 हजार वाली प्राइस रेंज में अपने फोन्स को उतारेगा। और अगर हम स्पेशली Xiaomi की अगर हम Mi ब्रांडिंग के फोन्स के बारे में बात करें तो वो इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है और इंडिया में जो Redmi सीरीज के जो फोन्स है ना वो बहुत ही ज्यादा चले हैं और जो पोको है ना वो भी अब इंडिया में पॉपुलर हो गया और लग रहा है कि जो Xiaomi है ना वो Mi को थोड़ा सा चेंज करना चाहती है इंडिया में। अगर हम देखा जाए तो Mi जो है ना वो अब फोन ब्रांड से ज्यादा एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया क्योंकि वो फोन से ज्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हम बात करें तो Mi के आपको Mi बैंड देखने को मिलता है, आपको टीवी देखने को मिलते हैं, साउंड बार आ गई, सिक्योरिटी कैमरा आ गए, पावर बैंक आ गए, ईयरफोन्स आ गए और भी कई सारे जो दूसरे लाइफस्टाइल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो आपको Mi ब्रांडिंग के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी जो फोन्स है ना वो आपको Redmi के ब्रांड के अंदर देखने को मिल रहे हैं या फिर पोको की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम Mi ब्रांड की बात करें तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस हो गई है और अब ऐसा लगता है कि जो Redmi है ना वो अब ऐसा लग रहा है डायरेक्टली कम्पीट करेगी Honor से। और जिस प्राइस में आपको Honor के फोन देखने को मिलते थे ना उसी प्राइस में मुझे अब लगता है कि आपको Redmi के फोन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब है कि जैसे Honor V20 रिलीज हुआ है तो हो सकता है कि उसी के सेम आसपास के प्राइस पे आपको Redmi की तरफ से फ्लैगशिप फोन भी देखने को मिल जाए, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं कि Redmi अपना फ्लैगशिप फोन किस प्राइस में लाती है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि अगर Redmi अपना फ्लैगशिप फोन लाएगी तो आप उससे लोगे या नहीं लोगे, तो ये बात कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।